गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। बज रहे सुबह के 8 और मैं इतने एनर्जेटिक उठ गई हूँ क्योंकि कल मैं ना 10:30 बजे जैसे सो गई थी क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, इतना सारा ट्रैवल किया था प्लस सोसाइटी में थोड़ा सा राम जी का फंक्शन था इसीलिए मैं थक गई थी और सो गई थी, तो 8 बजे मेरी आंख खुल गई। अभी चाय नाश्ता करते हैं। मम्मी ने ना थेपले का आटा गूंद के रखा है तो आज तो चाय थेपले खाएंगे, तगड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर विधान को उठा दे कि वो उसको कॉलेज जाना है नहीं जाना है, देखते हैं। वो भैया तो अभी सो रहा है, वो कभी 10-11 बजे से पहले उठते ही नहीं है, तो अभी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। पूरे दिन में पापा तो बाहर गए हुए हैं, मम्मी काम कर रही है और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। सुबह सुबह एकदम तगड़ा ब्रेकफास्ट भाई, चाय थेपले, और ये थेपले जो मैं आपको बताती थी रेसिपी मेरी मम्मी बनाती है वो वाले थेपले, लहसुन, और इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं, बिल्कुल भी नींबू नहीं, खटास नहीं, कुछ नहीं, एकदम मस्त चाय के साथ खा सके वैसे। और इसमें ना ही बाजरे का आटा है, प्योर गेहूं के आटे का बनाया हुआ, और उसके ऊपर घी लगाएंगे, चाय पराठा घी खाएंगे और दोपहर को खाने की भी जरूरत ना पड़े, इतना तगड़ा ब्रेकफास्ट है ये। और मम्मी भी आ गई अपनी चाय लेकर। मम्मी गुड मॉर्निंग। नाले 9:30 बज गए, ठंड लग रही है। 10:30 बज रहे हैं और हमारे घर का राजकुमार अभी उठा है। गुड मॉर्निंग विधान। तू भी थेपले खा रहा है और विधान कभी चाय नहीं पीता, वो दूध ही पीता है। विधान चाय क्यों नहीं पीता? चाय बहुत ज्यादा उबाली जाती है जिसके कारण लगे प्रोटीन सब कुछ टूट जाते हैं। मुंह में से मावा निकाल के बात कर, कुछ समझ में नहीं आया। दूध को बहुत ही ज्यादा उबाला जाता है दूध को, अब देखो चाय कैसे बनती है। हाँ फिर उससे चाय बन जाती है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, उबाला जाता है उससे क्या? सबके सब उनका वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। देखो चाय नहीं पसंद, छोटा था तब चाय और दूध तो पीता था, मुझे पसंद है लेकिन नहीं पीता क्योंकि इट इज यूजलेस, उसे ड्रिंक या पीने के और कुछ नहीं है। क्या ड्रिंक ड्रिंक बोल रहा है, कॉलेज जाना है? अच्छा ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों? पेट दर्द कर रहा है। कुछ भी इतना खा रहा है ठूस ठूस के और पेट दर्द कर रहा है इसका। सही है भाई, हमारे खानदान का साइंटिस्ट। ये ग्रेप्स कैसे क्लीन कर रहा है, देखो नीचे पानी रखा सब्जी, देखो ये सब्जी गर्म हो रही है, उसके सारी की सारी वो वेपर होगा वो यहाँ पे टकराएगा मेटल को, मेटल से पानी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी और एनर्जी से यहाँ पे वेपर निकलेंगे, उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे है ना। हाँ अंदर से जाएंगे पूरे बैक्टीरिया ग्रेप्स के मर जाएंगे, देखना ग्रेप्स ही ना मर जाए। ठंडी में गर्म गर्म ग्रेप्स खाने का मजा ही कुछ और, मेरे को गर्म नहीं खानी है। सबको धुआं धुआं निकल रहा है। हाँ भाई धुआं तो निकल रहा है, थोड़ी देर रहने दो। स्टीम स्टीम ग्रेप्स विदन बॉइल्ड, स्टीम बोलते हैं, बॉइल्ड स्टीम बॉइल्ड स्टीम बॉइल्ड। देखिए अभी 2-3 मिनट हो चुकी है, 2-3 मिनट से मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, अभी दिखाता हूँ एक साइंस के स्टूडेंट का पावर। देखिए पूरा साफ था, इतना कचरा निकला अंदर से, एनर्जी बचाते बचाते इसको साफ भी कर दिया। इतना कचरा भाई निकला है ग्रेप्स में से, अभी वो ग्रेप्स को विधान क्या कर रहा है, नॉर्मल पानी से वॉश कर रहा है, तो इसको साफ करके उसको वॉश करके फिर इसमें ही डाल देते हैं। भाई विधान का ये तरीका मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, वैसे मैं उसको निकम्मा निकम्मा बोलती रहती हूँ लेकिन वो बड़े काम की चीज़ें लेके आता है। मेरे को नहीं पता था कि एक ग्रेप्स के अंदर इतने सारे मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, कचरा होता है जो कि उसने निकाल दिया। लेकिन उसको तुरंत मत खाना, तुरंत खाओगे तो उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा, थोड़ी देर फ्रिज में रख देना उसके बाद खाना तो आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि है ना स्टीम की वजह से थोड़ी सी हल्की हल्की सी गर्म हो जाती है, तो थोड़ी देर रहने देना उसको ठंडी होने के लिए, उसके बाद खाना बहुत बढ़िया लगेगी और क्लीन क्लीन लगेगी आपको। मैं विधान के साथ लेने आई थोड़े से मुरमुरे टोस्ट एंड मैरी गोल्ड बिस्किट, क्योंकि घर में है ना मैं आती हूँ ना तभी नाश्ता आता है, ये लोग तो साले कुछ ये ओरियो के अलावा कुछ खाता नहीं है, और मम्मी भाकरी होती है रात की वो सुबह खा लेती है और दोपहर को नाश्ता नहीं चाहिए होता है उसको। और पापा तो क्या खाते हैं सुबह सुबह विधान? साले गधे, मैं ससुराल होती तो भी मुझे पता है पापा छोले भटूरे खाते हैं रोज। मस्त मजे के मैंने मुरमुरे को तड़का मार के मस्त बना दिए, और ये मैंने लहसुन मतलब कि गार्लिक वाले बनाए हैं, मीठे नहीं बनाए, और विधान को मैंने धंधे लगा दिया है कि भाई अभी इसको लो फ्लेम चालू रख के थोड़ी देर हिला ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। तेरे को जिम जाना है अभी तो खा के जाएगा, कैसा लगे? अच्छे तो खा लेना, आके खाएगा? नहीं खाना। आके खाएगा? नहीं खाना। विधान
तू सच में ना ड्राइवर ही है, पापा को गाड़ी एक्चुअली में बाहर चाहिए इसलिए ये यहाँ से बाहर लेके जा रहा है गाड़ी को। बाकी हमारे सोसाइटी में ना सच में छोटे छोटे बच्चों की काउंटिंग इतनी बढ़ गई है, पहले ना ढंग से 3-4 बच्चे हुआ करते थे सोसाइटी में, लेकिन अभी देखो पूरी फौज है, इधर है इधर ये छुप रहा है और खेल रहा है सबके सब, और सब हिंदी ही बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट सब हिंदी बोल रहे हैं। नई नई गाड़ी जब सीखते हैं ना तब कोई भी बुलाए अगर पार्किंग करने के लिए या बाहर निकालने के लिए तो बंदा तुरंत रेडी हो जाता है, देन आगे ठुक मत देना, जाने तो पीछे बहुत जगह है, निकल जाएगी। अब पप्पी ना करा दे ये गाड़ी को। हाँ निकाल दी, सही आ गई यार, विधान को मेरे से भी जल्दी गाड़ी आ गई। मेरे और विधान में शर्त लगी है कि अगर वो उसने गोल बाकरी कर दी तो उसको मैं 5,000 रुपये दूंगी, और उससे कब की हो नहीं रही है, वो कैसे बेल रहा है जरा देखो बाकरी को तेरे मुंह जैसी हो गई है लंबो गोल एक साइड से चौड़ी एक साइड से चपटी होगी, सबरा का फल इसको गोल बोलते हैं, सबरा का फल मीठा होता है। मम्मी चीटिंग कर रही है भाई, भाई तेरे कट भाई पैसे कट, मम्मी चीटिंग करके उसको सिखा रही है, मैंने मना किया था मम्मी, हाँ तो इसको अभी ऐसे उखाड़ेंगे तो देखिए सारी फट गई, ये तो फट गई। ये देखो मार्क दिख रहा है इतना पूरा, विधान क्या हुआ क्या हुआ बोल, नहीं बोलना रुकना एक्चुअली में हुआ क्या, विधान मेरे साथ मस्ती करने आया तो मैं उसके साथ मस्ती ही कर रही थी, और जिस पे हम लोग भाखरी बनाते हैं जिसको गुजराती में तवी बोलते हैं, वो मैंने पहले छुई ना था, वो ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने ऐसे जाके उसको टच कर दी वहां पे, तो एक्चुअली में थोड़ी हल्की हल्की सी गर्म है, लेकिन इसको ना बात का बतंगड़ बनाने की आदत है लाल तो इसको थोड़ा सा हल्का सा मार्क बन गया, पहले भी एक बार मैंने फिर से कर ना, अभी स्त्री छुआऊंगी तेरे को देख नहीं दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा है अभी, इतना तो चीटी ने काटा ऐसा है, ला लगा दू, खड्डा हो गया पूरा, ला लगा दू, खड्डा हो गया, अरे ला ना, नहीं लगा, अरे ला सही से लगा दू, इसमें भी चढ़, अरे लगा दूंगी ला, घूम इधर कहाँ पे, नीचे इधर ही है, इधर ही है, ये देखो भाई इसको है ना थोड़ा सा मार्क हो गया है फूले जैसा, इधर आना एक सेकंड इधर, ओ बाप रे, कोई नहीं अभी तू अभी मर्द बन गया, तेरे को दर्द नहीं होना चाहिए क्या कर रहा है 5 घंटे से। डिनर वगैरह तो कर लिया, और टाइम बता दूं तो हो रहा है अभी 9:30, डिनर में हम लोगों ने मस्त खाई खिचड़ी सब्जी एंड भाकरी जो विधान ने बनाई, थोड़ी सी थोड़ी मैंने बनाई, थोड़ी मम्मी ने बनाई, तो कोई नहीं बस आज का ये दिन हमारा ऐसे ही चला गया मस्ती करते करते, आज मैं थी इसलिए विधान भी कॉलेज नहीं गया था, और उसको बेचारे को है ना इधर इतना लग गया है ना, मेरे को एक्चुअली में ऐसा था कि तवी ठंडी हो गई है इसलिए मस्ती करने के लिए, लेकिन उसको बहुत लग गई है, अगर शादी से पहले मैं उसके साथ ऐसी मस्ती करती तो वो डेफिनेटली मेरे को पीटता, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है शादी के बाद, अभी वो मेरे को मारता नहीं है एक्चुअली में नहीं मारता है, और वो बहुत सुधर गया है, मैं जब आती हूँ तब मेरे साथ रहता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, बहुत कुछ करता है, शादी से पहले वो नहीं करता था ऐसा मेरी शादी से पहले, क्योंकि उसकी तो हुई नहीं है। तो कोई नहीं आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं, एंड अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गाइस बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।